ट्रेडिंग अकाउंट समझाने से पहले एक चीज पहले क्लियर ही कर देता हूँ। देखो मेरी बात सुनना, देखो समझना बेटा, अगर ये जो समझा रहा हूँ अगर ये क्लियर हो गया तो ट्रेडिंग अकाउंट समझ लो 90% क्लियर हो गया, उसमें कुछ भी नहीं रह गया। देखो मैं कह रहा हूँ ये मार्केट है, ये मार्केट है भाई। अच्छा मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर होंगे भाई, मार्केट के अंदर बहुत सारे दुकानदार होते नहीं होते? ये मान लो मार्केट है, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे दुकानदार होंगे और ये हमारी फैक्ट्री है, ये हमारी फैक्ट्री है मान लो, ठीक है हमारी फैक्ट्री है। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले क्या होगा, सुनना, सबसे पहले क्या होगा, अगर मान लो मेरी फैक्ट्री है तो मैं रॉ मटेरियल खरीदूँगा, कच्चा माल खरीदूँगा और उसको भी हम परचेज ही बोलते हैं, चाहे तुम फिनिश गुड्स खरीदो तब भी परचेज बोलते हैं और रॉ मटेरियल खरीदोगे तब भी परचेज बोलते हैं। अब देखो सबसे पहला काम क्या होगा, हम मार्केट में बहुत सारे सप्लायर बैठे होंगे, मार्केट में बहुत सारे सप्लायर बैठे हैं, हम मार्केट में किसी भी सप्लायर से सामान खरीद सकते हैं, हमारे पास चॉइस होती है, हम कहीं पर भी जाके खरीद सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमने इनमें से किसी भी एक सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा होगा, यानी गुड्स परचेज किए होंगे, परचेजेस किए होंगे और गुड्स के खरीदने को हम परचेजेस बोलते हैं। सबसे पहले हमने इनमें से किसी सप्लायर से परचेज किया होगा सामान, और जब हम गुड्स को खरीदते हैं, खरीद के लाते हैं, गुड्स को खरीद के लाते हैं, किस लिए लाते हैं, रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे तो फैक्ट्री में बनाएंगे सामान फिर बेचेंगे, और अगर बना बनाया सामान लाएंगे तो लाकर अपनी शोरूम में अपनी दुकान में रखेंगे और बेचेंगे, ठीक है। तो देखना बेटा, तो अगर मैंने ये पहले गुड्स को परचेज किया, ठीक है, तो एक तो गुड्स खरीदा होगा तो उसका पैसा दिया होगा, जिसे हमने बोला परचेज, मान लो 50,000 रुपये, 20,000 रुपये, जो भी 1,00,000 रुपये, 2,00,000 रुपये, जितने का भी गुड्स खरीदा होगा, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, परचेजेस करी, और परचेज करा होगा तो पैसा लगा हुआ नहीं लगा होगा। अच्छा बिना गुड्स को परचेज करे फैक्ट्री में माल बन जाएगा क्या? अगर फैक्ट्री में तुम्हें गुड्स को माल को बनाकर तैयार करना है तो रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदना पड़ेगा? तो सबसे पहले मैंने क्या किया होगा, रॉ मटेरियल को खरीदा होगा, कच्चा माल खरीद के लाया होगा, ठीक है। मैं जिस चीज़ के भी काम करता हूँ, मान लो मेरा कपड़ों का शोरूम है, मान लो मेरा कपड़ों का शोरूम है और मैं कपड़े पहले मैन्युफैक्चर करता हूँ फिर बेचता हूँ, तो अगर मैं कपड़े मैन्युफैक्चर करता हूँ फिर बेचता हूँ, तो सबसे मान लो जीन्स टी शर्ट वगैरह, मैं कह रहा टी शर्ट वगैरह, शर्ट वगैरह बेचता हूँ, फॉर्मल पैंट बेचता हूँ, ठीक है, मेरे कपड़ों की दुकान है, शोरूम है। अब बताओ जरा, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदूँगा, कपड़ा खरीदूँगा, कपड़ा खरीदूँगा तो सबसे पहले जितने रुपये का मैंने कपड़े खरीदे उसे मैं क्या बोलूँगा, परचेजेस, यानी गुड्स को खरीदा जाएगा, रॉ मटेरियल को खरीदा जाएगा। अब खरीदने, एक तो गुड्स को खरीदने का खर्चा, उसके बाद अब बताओ, मान लो मैंने यहाँ से इस सप्लायर से खरीदा, इस सप्लायर से खरीदा, तो अब सप्लायर से जब खरीदा तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने मार्केट में दो चार लोग ऐसे पकड़ रखे होते हैं, दो चार लोग ऐसे सेल्स कमीशन जो एजेंट होते पकड़ रखे होते, जो हमें सामान, जो जिनसे हम सामान कहते हैं कि भाई हमें सस्ते में दिलाओगे तो चलो कुछ परसेंट आपको कमीशन दे देंगे, कुछ यहाँ पर ऐसे लोग होंगे जो सामान को बिकवा रहे होंगे, ठीक है, एजेंट वगैरह होंगे जिनसे हमारी बातचीत है, जो हम जिनको हम क्या कहते हैं कि अगर जिनसे हमारी डीलिंग हो रही है कि अगर हम सामान उनसे खरीदते हैं तो वो हमें थोड़ा बहुत सस्ते प्राइस पे दिला देते हैं, और जब हमें सामान सस्ते प्राइस पे परचेज करवाएंगे, खरीदवाएंगे, तो हम उनको क्या देंगे बदले में, कमीशन वगैरह, वो कमीशन खाते हैं, ऐसे नहीं करते। तो हो सकता है मैंने ये जब परचेज करी हो सामान, गुड्स को खरीदा हो, तो मैंने कमीशन पे कराओ, कमीशन ऑन परचेज, मैंने जब गुड्स खरीदा होगा तो कमीशन पे किया होगा, कमीशन पे किया होगा तब जाके गुड्स खरीदा होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखना, चलो मैंने गुड्स खरीद लिया, ये मार्केट से मैंने गुड्स खरीद लिया, अब मैंने गुड्स खरीद लिया तो क्या गुड्स मार्केट से जब मैंने यहाँ खरीदा तो यहाँ से गुड्स उड़ कर आएगा यहाँ पर, क्या होगा भाई? हो सकता है मैंने, देखो क्या कोई भी गाड़ी वगैरह बुक करी होगी,
ठीक है, कोई भी गाड़ी बुक करी होगी, ठीक है, जिसमें मैंने सामान को रख कर लेके आऊँगा, ठीक है भाई। अब भाई जो भी गाड़ी बुक करी मैंने, ठीक है, इसमें सामान भर कर लेके आऊँगा, सामान इसमें लूँगा और सामान यहाँ से आएगा, या तो डायरेक्ट मेरी फैक्ट्री में आएगा या फिर मैंने कोई गोडाउन वगैरह बना रखा होगा जहाँ रखता हूँ सामान वहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से मार्केट से सामान मेरी फैक्ट्री तक आएगा तो भाई मैंने जो इस सामान का किराया भाड़ा पे किया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्टेज, क्या बोलते हैं कार्टेज, या फिर बोल सकते हैं कैरेज, या फिर बोल सकते हैं फ्रेट, फ्रेट, कार्टेज, कैरिज या फ्रेट, स्लाइड से डिफरेंस होता है तीनों में, बट अभी तो तुम मान लो चलो कोई बात नहीं, सही में फ्रेट, ठीक है। अब देखो मैं समझाना क्या चाहता हूँ बेटा, मैंने कार्टेज पे किया और कार्टेज पे करा तब जाके ये जो गुड्स खरीदा था वो मेरी फैक्ट्री तक पहुँचा, या फिर फ्रेट पे किया तो गुड्स मेरी फैक्ट्री तक पहुँचा, या कैरिज पे किया तो फ्रेट में, इनमें से कोई भी, इसका मतलब भाड़ा, भाड़ा पे किया, किराया भाड़ा पे किया, और किराया भाड़ा पे करूँगा तभी तो सामान ये जो गुड्स है मेरी फैक्ट्री तक पहुँचेगा, रॉ मटेरियल पहुँच गया फैक्ट्री में, क्लियर यहाँ तक। तो अभी तक देखो क्या हुआ, अभी तक ये मैंने गुड्स को ख़रीदा, उसका खर्चा, कुछ कमीशन वमीशन खिलवाया गुड्स को खरीदने के लिए, उस वो खर्चा, सामान का किराया भाड़ा पे किया और सामान मेरे कहाँ तक पहुँच गया, मेरी फैक्ट्री तक, ठीक है। अब सामान फैक्ट्री में पहुँच चुका है, अच्छा अब सामान फैक्ट्री में पहुँच चुका है, फैक्ट्री के अंदर मेरे फैक्ट्री के अंदर मैंने मजदूर एम्प्लॉय कर रखे होंगे, लगा रखा होगा जो इस कपड़े से क्या बनाएंगे, शर्ट वगैरह बनाएंगे, पैंट वगैरह बनाएंगे, ठीक है, जो मशीनें चलाएंगे और गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, फिनिश गुड्स बनाएंगे, माल को तैयार करेंगे। तो फैक्ट्री में जो मजदूर होते हैं मशीनें चलाते हैं और मशीनें चलाते हैं तो माल बनता है, अच्छा मशीन चलाएंगे तो माल बनेगा, तो क्या उनको जो तनख्वाह वेजेस दी जाएगी, मजदूरी दी जाएगी, क्या वो माल को बनाने में इन्वॉल्व है, यस। तो फैक्ट्री के अंदर हमने वेजेस खर्च करी होगी तब जाके माल बना होगा, जिसे हम मजदूरी बोलते हैं, फिजिकल वर्क, जो फैक्ट्री के, मेरी बात सुना, फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें चला रहे हैं, जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, उनको जो उनकी मेहनत के बदले जो पेमेंट की जाती है उनको क्या बोलते हैं, वेजेस, ठीक है। अच्छा उसके अलावा देखो क्या मैं कह रहा हूँ, हो सकता है फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री की सैलरी भी हो, लेकिन ध्यान रखना फैक्ट्री की सैलरी कब होगी, फैक्ट्री में सैलरी सुपरवाइजर को दी जाती है, जो अच्छा फैक्ट्री में एक आदमी ऐसा भी होगा ना जो घूम घूम के देखता होगा कि भाई ये काम सही से कर रहा है नहीं कर रहा, सुपरवाइज कर रहा होगा लोगों के काम को कि कितना माल बना कितना नहीं बना, तो जो सुपरवाइज़र होगा सुपरवाइज़र की सैलरी, अच्छा सुपरवाइज़र की सैलरी ऑफिस में दी जा रही होगी फैक्ट्री में दी जा रही होगी, फैक्ट्री के काम के लिए दी जा रही होगी, भले ऑफिस में मिल रही हो लेकिन काम तो फैक्ट्री में वो काम कर रहा है इसलिए मिल रही है, ठीक है, उसकी सैलरी, अच्छा सैलरी इन जनरल इनडायरेक्ट होगी, अगर सुपरवाइज़र की है जो आदमी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है उसको सैलरी वगैरह मिल रही है, तो इन जनरल फैक्ट्री में जो मजदूर होते हैं मशीनें चलाते हैं उनको क्या दी जाती है, वेजेस, और सुपरवाइज़र को जो एक आदमी जो वहाँ सुपरवाइज कर रहा है उसको जो सैलरी देगी वो तो क्या होगा, सैलरी, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, आप जैसे फैक्ट्री के अंदर जो गार्ड रखा है तो गार्ड जो बैठा हुआ फैक्ट्री के अंदर उसको मजदूरी बोलेंगे क्या, मजदूरी मिल रही है उसको भी हम क्या बोलते हैं, सैलरी। तो फैक्ट्री में भी सैलरी हो सकती है, मेरा कहने वाला क्या है, लेकिन इन जनरल सैलरी हम क्या मान के चलेंगे, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, क्या माल खरीदेंगे, कच्चा माल खरीदेंगे तभी तो फैक्ट्री में माल बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है, कैरिज कार्टेज फ्रेट पे करोगे तभी तो माल यहाँ तक पहुँचेगा तभी तो मजदूर इस पर काम कर पाएंगे। तो क्या ये जितने भी खर्चे दिख रहे हैं तुम्हें, क्या ये सारे खर्चे माल को बनाने के लिए, गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए किए गए, नहीं किए गए, क्या ये सारे खर्चे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए किए गए? अच्छा सुनना, इसके अलावा देखो बेटा एक चीज़ और मैं बता दूँ, यहीं पर थोड़ा सा रह गया था, कार्टेज कैरिज या फ्रेट, अगर ये लिखा हो
तो ये डायरेक्ट माने जाते हैं। ये क्यों, ये सामान खरीद के लेके आ रहे थे फैक्ट्री तक, तब किराया भाड़ा पे किया। अच्छा, अगर इन तीनों के साथ इनवर्ट लग जाए, इनवर्ट लिखा तो भी डायरेक्ट। क्यों, तब तो साफ साफ पता चल रहा है कि जब हम सामान खरीद के ला रहे थे तो लाते टाइम किराया भाड़ा खर्च किया, ठीक है, इनवर्ट लिखा हो। और अगर इनके साथ आउटवर्ड लिखा हो तब ये क्या बन जाएंगे, इनडायरेक्ट। अगर इनके साथ आउटवर्ड लिखा हो तो क्या बन जाएंगे, इनडायरेक्ट। अभी बताऊंगा कैसे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो जरा, यहाँ तो कुछ पूछना तो पूछो, ठीक है। और फैक्ट्री में क्या हो सकता है, देखो सुनना मेरे, और फैक्ट्री में क्या हो सकता है, फैक्ट्री में मशीनें चलाई जा रही होंगी, तो मशीनों को चलाने के लिए हो सकता है फैक्ट्री में बिजली यूज़ हो रही हो, और फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है उसको बोलते हैं पावर, थोड़ी हाई वोल्टेज की बिजली होगी, ठीक है, मशीनों को चलाने के लिए हाई वोल्टेज की बिजली की जरूरत होती है, तो उसे क्या बोलेंगे, पावर। और हो सकता है कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जो कोयले से, फ्यूल वगैरह से चल रही हो, कोल गैस वाटर फ्यूल या फ्यूल बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री में कुछ मशीनें कोयले वगैरह से चलाई जा रही है, तो ये सारे ईंधन भी लगते हैं डायरेक्ट है। ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी तो मशीन चलेगी तो माल बनेगा, तो ये भी क्या है, डायरेक्ट। ये डायरेक्टली माल को बनाने में इन्वॉल्व है, ये सारे खर्चे माल को बनाने में लग रहे हैं। और देखो क्या होगा, इसके अलावा फैक्ट्री में और क्या हो सकता है, देखो अगर क्वेश्चन में लिखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, क्या लिखा है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग का तो मतलब ही क्या हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग का तो मतलब ही क्या होता है, माल को बनाने का खर्चा, ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। अगर किसी भी खर्चे के साथ फैक्ट्री लिखाओ, फैक्ट्री एक्सपेंस, तो याद रखना हो क्या बन जाएगा, इसका मतलब वो खर्चा फैक्ट्री में हुआ है तो माल बनाने के लिए होगा, ठीक है। और देखो फैक्ट्री में, उसके अलावा क्या हो सकता है, देखो फैक्ट्री में, देखो सुना, कंज्यूमेबल स्टोर, अब इधर देखना बेटा, कंज्यूमेबल स्टोर क्या होगा, कंज्यूमेबल स्टोर का मतलब होता है फैक्ट्री के अंदर कॉटन वगैरह यूज़ होती है, रुई वगैरह यूज़ होती है, कपड़े वगैरह यूज़ होते हैं, ग्रीस वगैरह यूज़ होता है, जो मशीन को साफ ऑफ करने के लिए, ठीक है, लगाया जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, ये भी डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है, ये कुछ ऐसे खर्चे हैं। और देखो हो सकता है, एक चीज़ और देख लो, हो सकता है मैं रॉयल्टी पे करता हूँ, जो सामान मैं बनाता हूँ हो सकता है उसका पेटेंट, उसका कॉपीराइट किसी के पास है, तो जब मैं उससे परमिशन लेके बना रहा हूँ तो उसको रॉयल्टी देता हूँ, तो रॉयल्टी पे करूँगा तो मैं माल बना पाऊँगा, वो भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। रॉयल्टी पे कर रहा हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट। जैसे मान लो मैंने बोला था कि TS ग्रेवाल की जो बुक है वो मैन्युफैक्चर कौन करता है, बनाता कौन है, पब्लिश कौन करता है, उसका पब्लिशर क्या है, सुल्तान चंद, और उसका राइट किसके पास है, TS ग्रेवाल, तो TS ग्रेवाल को वो रॉयल्टी पे करता है, तब जाके TS ग्रेवाल की बुक पब्लिश हो पाती है, छप पाती है, हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या, या तो देखो मैं क्या समझाता था, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं, ये जो खर्चे हैं इसको किए बिना, इन खर्चों को करे इनकर किए बिना हमारा माल तैयार नहीं होगा, तो मैंने इतने सारे खर्चे किए तब जाके मेरा माल तैयार हुआ, ठीक है, तब जाके तैयार हुआ। और ये सारे खर्चे फैक्ट्री में हो रहे हैं तो इनको बोलते हैं डायरेक्ट, ये क्या हो गए, जो खर्चे फैक्ट्री में हो रहे हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट। और अच्छा, ये सारे खर्चे करने के बाद क्या हमारा माल बनकर तैयार हो गया, ये सारे खर्चे करने के बाद माल बनकर तैयार हो गया, नहीं हो गया, माल जो भी हम बनाते हैं, जो भी मान लो मैंने बोला था कि मेरे कपड़ों का शोरूम है, तो मेरे टी शर्ट शर्ट जो या फिर पैंट वगैरह जो भी मैं तैयार करता हूँ वो क्या रेडी हो चुकी है, रेडी फॉर सेल, मैं कह रहा हूँ
सेलेबल कंडीशन में आ चुके हैं, बेचने की कंडीशन में आ चुके हैं, माल बनकर तैयार है, बेचना बाकी है, बनकर तैयार हो गया। अच्छा तो कहने वाला भाई यहाँ तक जो खर्चा हुआ, यहाँ तक जो खर्चा हुआ है, ये तो क्या होगा डायरेक्ट। उसके बाद बेटा देखना सुनना, माल बनकर तैयार हो गया, अब उसके बाद माल बनकर क्या फैक्ट्री से बिक जाता है क्या? नहीं। देखो माल बनने के बाद हम, देखो माल जब बनकर तैयार हो गया, मेरी बात सुनना, देखो मैं कह रहा हूँ माल बनकर तैयार हो गया, तो माल बन के तैयार होने के बाद हो सकता है मैं अपने गोडाउन में ले जाऊँ। गोडाउन का मतलब जहाँ पर स्टोर करता हूँ सामान को। माल बनकर तैयार होता तो गोडाउन में भेज देता हूँ, पड़ा रहता कुछ दिन तक। अच्छा जरूरी गोडाउन हो सकता है कि मेरी फैक्ट्री के साथ में हो, और हो सकता है मेरी फैक्ट्री से दूर भी हो, फैक्ट्री से दूर भी हो, ठीक है। तो अगर मेरी फैक्ट्री से दूर होगा, थोड़ी दूर पे होगा, ठीक है, तो जरा सोचो क्या फिर से मेरे को कार्टेज पे नहीं करना पड़ेगा क्या? कोई गाड़ी वगैरह हायर करनी पड़ेगी, उसका किराया भाड़ा पे करना पड़ेगा, फिर से कार्टेज पे करूँगा, फिर से कैरिज पे करूँगा, और फिर से फ्रेट पे कर सकता हूँ। तो अगर मेरे गोडाउन तक सामान जा रहा है, यहाँ पर फिर से मैंने कार्टेज या कैरिज या फिर फ्रेट पे किया। अच्छा अगर ये तीनों चीज़ फ्रेट पे किया, तो इनके साथ ध्यान ना, इन तीनों खर्चों के साथ क्या लगेगा? आउटवर्ड कार्टेज आउट, देखो मैं ऐसे बोलो, कार्टेज कॉमा फ्रेट कॉमा कैरिज, इसके साथ इन तीनों खर्चों के साथ क्या लग जाएगा? आउटवर्ड। इन तीनों खर्चों के साथ आउटवर्ड लगेगा, ध्यान रखना, इन तीनों खर्चों के साथ क्या लगेगा? आउटवर्ड। देखो कैरिज आउटवर्ड, ठीक है, कार्टेज आउटवर्ड या फ्रेट आउटवर्ड, तीनों खर्चों के साथ आउटवर्ड लग जाएगा। अगर इन तीनों खर्चों के साथ आउटवर्ड लग जाएगा तो ये क्या बन जाएंगे? अच्छा जाहिर सी बात है, क्या ये खर्चे माल बनाने में तैयार खर्च हो रहे हैं क्या? ये किराया भाड़ा माल बनाने के में खर्च हो रहा है या माल बनने के बाद गोडाउन तक ले जाने में खर्च हो रहा है? बनने के बाद। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या है? ठीक है, और सुना भैया, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ दिखाए जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। कहाँ दिखाए जाते हैं? जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में शो किए जाते हैं। और जितने भी, अब सुना, ये मैंने कुछ कार्टेज आउटवर्ड फ्रेट आउटवर्ड, यानी इसका मतलब जब सामान बन गया था उसको गोडाउन तक लेके जा रहे थे तो किराया बड़ा खर्च किया। अब देखना बेटा, गोडाउन में जब सामान जाकर रखा जाता होगा तो वहाँ पर भी एम्प्लॉय होंगे, एम्प्लॉय को क्या दी जा रही होगी? सैलरी। तो एम्प्लॉय को जो सैलरी दे रहे होंगे, ये माल बनने के बाद खर्च हो रहा है या माल बनाने के लिए खर्च हो रहा है? तो ये भी क्या है? इनडायरेक्ट। इसके अलावा देखो, सुनना बेटा, इसके अलावा हो सकता है मैंने इस गोडाउन में, ये जो गोडाउन था, डर था कि आग उग लग जाएगी, चोरी वोरी जगह, तो इसका इंश्योरेंस करवा रखा था। इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस का खर्चा बताओ, ये माल बनाने के लिए यूज़ हो रहा है क्या? ये भी क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। अच्छा हो सकता है ये मेरा गोडाउन रेंट पे हो, गोडाउन का रेंट, इसका किराया, ये भी क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? यहाँ पर क्या, यहाँ पर बिजली नहीं यूज़ हो रही होगी क्या? यहाँ पर यूज़ हो रही होगी, तो यहाँ हाई वोल्टेज की बिजली यूज़ हो रही है यहाँ पर, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। हो सकता है यहाँ टेलीफोन लगाओ, उसका बिल इनडायरेक्ट, ठीक है। मान लो यहाँ पर टेलीफोन लगाया, तो टेलीफोन का बिल, ये भी क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। समझ में आ रहा है मेरी बात? अच्छा अब मान लो मैं कह रहा हूँ कि अगर माल गोडाउन से शोरूम में जाता है, या मैं कह रहा हूँ फैक्ट्री से शोरूम में जाता है, लो मैं कह रहा हूँ गोडाउन से, वैसे तो इन जनरल क्या होगा, माल फैक्ट्री में बनेगा फिर कहाँ जाएगा? गोडाउन में। फिर कहाँ जाएगा? शोरूम में। तो मैं कह रहा हूँ मान लो गोडाउन से शोरूम में जा रहा है या फैक्ट्री से शोरूम में जा रहा है, तो अभी भी देखना मेरी बात, ढंग से सुनना, शोरूम में जाएगा तो शोरूम का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, शोरूम में जो एम्प्लॉय काम करेंगे उनकी सैलरी, शोरूम का टेलीफोन का बिल, ठीक है, शोरूम में तक जाएगा तो उसका किराया भाड़ा, ये सब क्या? माल बनने के बाद खर्च हो रहा है। और हो सकता है मैंने एडवर्टाइजमेंट भी किया हो, तो एडवर्टाइजमेंट का खर्चा,
और शोरूम में जो एसेट यूज हो रही है उसका डेप्रिसिएशन में तो खर्चा है, ठीक है। तो ये सारे खर्चे क्या होंगे? इनडायरेक्ट। इससे माल बन नहीं रहा, बेचने की कोशिश कर रहे हैं, माल बिक रहा है, बनाने के लिए माल को बेचने के लिए खर्चे कर रहे हैं, समझ में आ गया। और एक चीज़ और बताओ बेटा, इन सारी चीज़ों को, मेरा फैक्ट्री, मेरा गोडाउन, मेरा शोरूम, इनको कंट्रोल किया जाता है ऑफिस के थ्रू। तो मेरा ऑफिस भी होगा मेरा एक, जहाँ पर, अच्छा मेरा जो ऑफिस होगा, सुना, जो मेरा ऑफिस होगा, ऑफिस के अंदर, यहाँ पर ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ऑफिस का टेलीफोन का बिल, ऑफिस में स्टेशनरी भी यूज हो रही होगी, ऑफिस का इंश्योरेंस, और बताओ, ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही होगी, लिख दिया, चलो और क्या देखो, ऑफिस में देखो, ऑफिस में अकाउंटेंट बैठा होगा, ऑफिस में और बहुत सारे एम्प्लॉय बैठे होंगे, ठीक है। तो उनको क्या दी जा रही होगी? सैलरी। वो पेन पेपर चला रहे हैं, वो कंप्यूटर चला रहे हैं, मेंटल वर्क कर रहे हैं, बदले में क्या दी जा रही है? सैलरी, ठीक है। और देखो, ऑफिस की एसेट का डेप्रिसिएशन, ये भी क्या होगा? इनडायरेक्ट। हो सकता है यहाँ पर मैंने सेल्स एजेंट बिठा रखे, यहाँ बैठेगा वैसे तो सेल्स एजेंट, तो उनको कमीशन दे देगा। अब बताओ, इन जो ऑफिस जो है हमारा, वो इसको भी कंट्रोल कर रहा है, इसको भी कंट्रोल कर रहा है, तो ऑफिस में जो खर्चे हो रहे हैं, ये क्या माल बन रहा है? माल बनता है कैसे? नहीं। तो ये मेरे ऑफिस का, जो मेरा ऑफिस की बनावट है, जो मेरा प्रशासन है, जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके खर्चे, ये भी क्या होंगे? इनडायरेक्ट, ठीक है। तो मेरा कहने मतलब क्या है, ये जितने खर्चे मैंने बताइए, ये जितने खर्चे करते हैं बताएं, ये मेरे क्या है? इनडायरेक्ट। और इनडायरेक्ट खर्चे कहाँ जाएंगे बताओ? प्रॉफिट एंड लॉस। और ये ऑफिस के सारे खर्चे क्या है? ये भी क्या है? इनडायरेक्ट। ये भी कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे वो कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट लॉस को। और जितने भी डायरेक्ट होंगे वो कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब बात समझ में आ गई होगी कि मैंने लास्ट क्लास में जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो कुछ खर्चों को मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया और कुछ खर्चे मैं पी एन एल अकाउंट में दिखाऊंगा, जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में आ गया सबको, तो माइंड में डालना, वो सारे खर्चे जो गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने तक के होते हैं, गुड्स बनकर तैयार हो गया, बेचना बाकी है, ठीक है, बेचना बाकी है, गुड्स के बन के तैयार होने तक के जितने खर्चे होंगे वो क्या होंगे? डायरेक्ट। उसके बाद गुड्स को गोडाउन तक ले जा रहे हो, शोरूम तक ले जा रहे हो, उसको हिसाब किताब रख रहे हो, उसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, जो भी खर्चे किए जा रहे हैं, जैसे मान लो ऑफिस में हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे होंगे, उसको सीए चेक करता होगा, सीए बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता है, बदले में क्या पे करता है? उसको ऑडिट फी, जो सीए को ऑडिट फी दी जा रही होगी, ऑडिट फी, वो भी क्या हो जाएगा? ऑडिट फी, ये भी क्या होगा? इनडायरेक्ट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे, गिनती नहीं है, ये सारे क्या है? इनडायरेक्ट। अच्छा, अब एक कुछ और चीज़ें देखो। अच्छा एक बात, तो फैक्ट्री में आग लग गई, लॉस हो गया, लॉस बाय फायर। अब बताओ, आग लगने से माल बनता है क्या? नहीं। ये अच्छा, ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? नॉर्मली कोई आदमी चाहता है आग लगे? या आग हर महीने लगती है? ठीक है, नहीं लगती, ठीक है। तो ये ऐसा खर्चा है फैक्ट्री में, देखो आग, और क्या आग फैक्ट्री में लगेगी खाली? क्या आग लगनी होगी तो ऑफिस में भी लग सकती है, गोडाउन में भी लग सकती है, और शोरूम में भी लग सकती है, कहीं पर भी आग लग सकती है। तो मैं कह रहा हूँ एबनॉर्मल लॉस है, ऐसा लॉस, आग लगने पे किसी का कंट्रोल नहीं है, वो लग गई भाई बाई चांस, ठीक है, या चोरी हो गया। तो ऐसे खर्चे जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, डेटर पैसा लेके भाग गया, डेटर को तुमने उधार माल बेचा था, पैसा लेके भाग गया, ठीक है, ये सारे लॉसेज जो होंगे इससे क्या माल बनता है? तो ये भी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो नॉर्मल खर्चा इन जनरल नॉर्मली नहीं होता, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ठीक है, बैड डेट्स, डेटर पैसा लेके भाग गए, ये खर्चे इन जनरल नहीं होते, तो ये क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट। हम नहीं चाहेंगे कि ये खर्चे हों, ठीक है, ये जो लॉसेस है ये कहाँ दिखा देंगे?
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये भी क्या माने जाएंगे? इनडायरेक्ट। कोई डाउट है तो बताओ। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्लासीफाई करना आ गया सबको, और माइंड में डालना जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ दिखा जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो कहाँ दिखा देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो अभी हम बनाना सीखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, अब ट्रेडिंग अकाउंट को दोबारा से बना रहा हूँ मैं, ठीक है? देखना एक ही चीज़, अब ट्रेडिंग अकाउंट को जब दोबारा से बनाऊंगा तो चीज़ें समझ में भी आएगी और उसकी जनरल एंट्री भी सिखाऊंगा आप। मैं लास्ट क्लास में तो मैंने सिर्फ फॉर्मेट बना दिया था और मैंने बताया ऐसे डेबिट साइड में ये आता है, क्रेडिट साइड में ये आता है, बस, ठीक है जी। अब देखो जरा, अब देखो एक चीज़ और सुन लो, सही बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन पूछा उसने। देखो सुनना, तुमने एक चीज़ और देख लो बेटा, ये सीख लो, ये काम आएगी तुम्हारे को, देखना ढंग से। ऐसे देखा होगा तुमने लक्स, ठीक है? ठीक है भाई, ऐसा देखा होगा लक्स। अच्छा आप देखो जरा, आप देखो कभी कभी किसी ने लक्स का साबुन खोला होगा या कोई भी साबुन खोला होगा, तो सुनना मेरी बात, इसके ऊपर ना एक पैकिंग होती है वाइट कलर की, ठीक है? एक पैकिंग होती है, ये जो ये वाली पैकिंग होती है ना, ये वाली, इसको इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी पैकिंग, ऑर्डिनरी पैकिंग, ठीक है? ऑर्डिनरी पैकिंग, जैसे जैसे साबुन खोलोगे तो उसके अंदर भी एक कवर होता है, उस पर एक पेसा लपेटा होता है, ठीक है? वो उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी पैकिंग। क्या बोलते हैं? जो ऑर्डिनरी पैकिंग है ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट है, ठीक है? ये डायरेक्ट है, क्लियर हो गया? इस ये सामान को एक तरह से बोलो ना, अच्छा क्यों लगाया होता है वो उस पर? सेफ रखने के लिए साबुन को, ठीक है? साबुन को सेफ रखने के लिए, ठीक है? अब जरा देखना, अब एक ही बात और सुनो देखो, और उसके बाद उसकी एक चमकती सी पैकिंग होती है, मैं कह रहा हूँ वो एस कलरफुल पैकिंग होती है, और उसमें यहाँ पर एक हीरोइन भी छपी होती है। ठीक है, होता नहीं होता भाई? अब एक बात बताओ, देखो देखो भाई, अब तो जो यहाँ पर तुम्हें क्या लगता है, ये जो कल सीधा साधा, मैं कह रहा हूँ सिंपल सी पैकिंग भी तो हो सकती थी, सिंपल सी पैकिंग भी तो हो सकती थी, अब हमने क्यों भाई कलरफुल पैकिंग करी, उसमें हीरोइन छापी, क्यों छापी? इसका मतलब हमारा, हम अपने सामान का ऐड कर रहे हैं, ठीक है? अट्रैक्टिव पैकिंग करके हम सामान को बेचना चाहते हैं, यही तो होता है। तो देखो जो ऊपर वाली पैकिंग है, ये वाली जो पैकिंग है ये इनडायरेक्ट है, इसका पीछे मोटिव क्या है? माल को बेचना, ठीक है? और इसके पीछे क्या है? माल को जो जो भी सामान हमारा उसको गुड्स को सेव रखना, समझ रहे मेरी बात? तो ये ऑर्डिनरी पैकिंग है तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। और अट्रैक्टिव पैकिंग है तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए जो बनाए हो, इनडायरेक्ट। समझ में आ गया? यहाँ पर मेन मोटिव क्या है? ऐड करना। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ।